अब लास्ट वीडियो में बहुत सारे प्लेयर्स थे, मेरे को बोला भाई एंद्रू भाई क्रिप्टो को देखो, वो लिटरली 400 मीटर दूर स्प्रे कंसिस्टेंटली मार रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, फिर मैंने जाकर देखा और मेरा वक्त इस बार जिंदगी बदल गया भाई। अगर तुम चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नोटिफिकेशन बेल के साथ, क्योंकि आज तुम कुछ अनोखी चीज देखने वाले हो। अब क्या भी है, ये है क्रिप्टो जी हमारे, ठीक है, ये हमारे वो वाले क्रिप्टो नहीं है, ठीक है ना, जो मार्केट में रहता है ऊपर नीचे होता है ना, इनका स्प्रे एकदम डायरेक्ट बंदे पे जाता है, कंसिस्टेंटली जाता है और नॉनस्टॉप भाई। बंदा 250-300 350-400 मीटर दूर भाई चलती गाड़ी में हेडशॉट मार रहा है बंदों को, लाइक ऐसे मेरे को लगता है बेस्ट है, लाइक आई गेस इससे अच्छी कार रेसिंग और यू नो बाइक रेसिंग कोई नहीं कर सकता यार। मैंने चलती गाड़ी में से बंदे उतरते हुए ऐसे किसी और को ऐसे उतारते नहीं देखा। हां आई गेस गॉब्लिन और जोनाथन का स्प्रे ऐसे लेवल का हो सकता है, बट आई गेस क्रिप्टो का स्प्रे बेटर है। मैंने किसी को ऐसा स्प्रे मारते नहीं देखा है भाई। ये कुछ गलती वाले स्प्रेज है, मतलब ये स्प्रेज मैंने कभी कहीं देखे नहीं है। यू नो 250 मीटर 300 मीटर दूर हेडशॉट पड़ रहे हैं, चलती गाड़ी पे हेडशॉट पड़ रहे हैं, मतलब भाई साहब दिस इज नेक्स्ट लेवल स्टफ भाई। ऑनेस्टली मतलब बहुत बहुत इंप्रेसिव है यू नो। अब यहाँ पर एक टावर बैठा है, यहाँ पर से इसको पूरा मैप दिख रहा है, लिटरली इसको M4 के साथ 4x दे दो फिर ये बंदा गॉड बन जाता है। जा चल के भाई साहब सपोर्टिंग प्लेयर बोलते हैं, क्योंकि दो असॉल्टर होते हैं, एक सपोर्ट करने वाला होता है और एक आईजेल होता है, समझ रहे हो। तो राइट जा रहा हूँ, या फिर एक असॉल्टर होता है और एक स्नाइपर होता है, एक सपोर्टिव प्लेयर होता है। सपोर्टिंग प्लेयर अपनी टीम जब रश कर रही होती है पीछे स्प्रे मारते, तो ये उस कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे स्प्रे भाई साहब कोई अगर मार रहा हो तो भाई कितना ही कॉन्फिडेंस हो असॉल्टर्स को अपने टीममेट पे है। इसके टीम वाले तो ओपन में रश कर सकते हैं, एक और फाड़ देगा उन्हें। इस पे चाहते हैं वो एक और इस पे रिवाइव देगा, बताओ। अरे भाई साहब वो नहीं बचे, अरे भाई साहब क्या नॉक निकाल रहा है यार, अकेले ये स्प्रे कुछ गलती है यार, क्या मजाक सेट के वो देखो ये जो ऊपर में पड़ा डायरेक्ट हेडशॉट मार भाई, सिर्फ हेडशॉट टीम लग रही है, फिर बच के लेके आ रहे। अरे 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 चलो रिंग पे यार भाई साहब, एक ट्रिप पे आ रहे हैकर स्प्रे नहीं है ये, थोड़ा गलत स्प्रे है ये बेचारा, कोई गाड़ी में आ रहा था घूमता फिरता इसको तो डायरेक्ट लॉबी पहुंचा दिया भाई ने नॉक करके। इसके पास अगर M4 है और तुम नहीं बना, चांस ही नहीं, मतलब डायरेक्ट हेडशॉट मारेगा, चाहे तुम गाड़ी में हो लेटे हुए हो पेड़ के पीछे, हेडशॉट ही पड़ेगा दोस्त, चाहे कितना ही दूर हो तुम। इतने कंसिस्टेंटली स्प्रे मतलब मेरे पर रेड क्या उस स्मोक वाले का वक्त, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब जो पीक लेके मार के अंदर आया है। हमारे बता मोमो ने बता थोड़ा सा क्या तेरे पे एमओ है, डबल लॉक डबल लॉक से बचिए और ये मार इसको उतर के मारो। और ऐसा नहीं कि इसकी सिर्फ लॉन्ग रेंज स्प्रे अच्छा है, इसका तुम्हें क्लोज रेंज भी देखने को मिलेगा भाई, क्लोज रेंज में बंदा पागल हो जाता है भाई बंदों को मारते मारते। हां टाइम मार के तो आया था, फुल जीरो गिरी करता हूं ओके। अरे 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 डीपीएस डीपीएस वक्त इस बात जिंदगी में भाई, डीपीएस ने क्या मारा है भाई, ओए इधर से एक तेरे पे बंदा क्रॉस कर रहा है आधे रास्ते में, वाओ जोर वाला, बहुत गलत नॉक था एक्चुअली में, बहुत गलत नॉक था, किसी को होप भी नहीं होगी वहां से नॉक हो जाएगा। यूजुअली वहां पे से कोई क्रॉस करता तो लोग मारते नहीं, भाई साहब पीक लेते हैं, पिकाचू बना डाला उसका पोकेमोन की तरह, ये बकरी वाला है। ओए भैया देख रहा हूं खुले में खड़े होकर मार रहा है साजो, इसको अपने स्प्रे पे इतना कॉन्फिडेंस है, इज लाइक पीक लो तो अपन देख ले, अपन ले लो तुम पीक लो पीक, वाओ 308 मीटर भाई क्या चल रहा है भाई, इतना दूर लोग पता लोग स्नाइप करते हैं, ये बंदा स्प्रे मार रहा है M4 से। अब तुमको यहाँ पे इसका क्लोज रेंज पता चलेगा भाई, इसका क्लोज रेंज कितना अच्छा है, क्रिप्टो का लिटरली क्रिप्टोनाइट है भाई ये बंदा। ओके यहाँ पे उजी लेके ले रहा है, एक बंदा नॉक कर उसकी टीम, उसके भी दो टीममेट नॉक है, उसने उसी साइड पर क्या मेरे भाई डैमेज पड़ा उजी से उसे। तू किधर है भाई, ब्लू के पीछे बन लिया नॉक करा, लेट्स गो, बहुत प्यारा एक मेरा डायरेक्ट फिनिश,
नॉक करा इसका टीममेट फिनिश हो गया लेकिन एक बंदे की फर्स्ट स्टेप आ रही सामने फिर उतम भी बच जाएगा चल चल लेट्स गो यहां पे 1v1 फाइट होने वाली है क्रिप्टो लेके रश कर रहे हैं यहां पे अपनी उजी और बंदा ऊपर भाग के जा रहा है ऊपर टीपी भी लेने जा रहा है ऑफ कोर्स उसे पता है ये लोग पीछे आ रहे हैं वो आखिरी प्लेयर है पीछे से कवर टीम आ गई है ओ देख के खेली थी ओके शॉटगन भाई अरे भाई सब नॉक कर दिया भाई खेल गया हाई आई क्यों खेल गया मजाक से की झूठ भी नहीं कह रहा ऊपर जाओ बट दूसरे स्क्वाड यहां पे रश कर चुके हैं इसके दोनों टीममेट नॉक है यहां पर भाई अकेला बचा है क्रिप्टो इसका वो टीममेट नंबर 4 खत्म हो जाएगा बचना मुश्किल है हां नंबर 2 को रिवाइव हो जाएगा हीलिंग है तेरे पे यस नेट कर रहा हूं बढ़िया मौली करी अब वो लोग रश नहीं कर पाएंगे पहले क्यों नहीं हुआ हीलिंग दे मुझे हीलिंग ऊपर चल ऊपर चल थैंक यू लोग क्लोजिंग कर रहे हैं उन्हें पता है इसके दो ही प्लेयर अलाइव होंगे यहां पे फाइट हुई है तो वो लोग भी रश कर रहे हैं दो हैं एक राइट साइड रोड क्रॉस ये ऑफ एंगल बनाते हैं ये ऑफ एंगल बनाते हैं ध्यान से बाहर से चुतना मत करते करके इनों में फाइट लो अरे भाई साहब डीपीएस एक बंदा लॉक लेट दूसरा बंदा गया अरे भाई साहब शॉटगन पावर गाइस लेट्स गो दो गोली में दो बंदों का वक्त जज्बा जिंदगी बदल दिया भाई ने तीसरा प्लेयर भाग के आ रहा है ऊपर बदला लेने के लिए टीममेट्स का क्या वो ऊपर आएगा या फिर अपनी गेम को बचाने के लिए और टीम पोजीशनिंग के लिए खेलने के लिए भाग जाएगा देखना पड़ेगा बट आई गेस वो रश कर रहा है वो बदला लेने आ रहा है भाई एनीवेज ओह भाई जाके मार जा यार उसको मुंह पे पड़ गया उसको अरे भाई 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 अबे मैं दो बार ही है दोनों बैंस के तो ऐसे पड़ी है मुझे शॉटगन गाड़ियां आ रही हैं पूरी टीम बहुत ज्यादा ही मुंह पे आ रही है लूज रेंज में लिटरली दो स्क्वाड को उड़ा डाला इसने हम इसको गाड़ी वाला आया गाड़ी से बंदे उतार ओहो गाड़ी वाला आया गाड़ी से बंदे उतार अरे भाई साहब वो बेचारा उतरते डायरेक्ट हेडशॉट पड़ा उसे स्प्रे बहुत अलग लेवल का यार क्रिप्टो का एक्चुअली में बहुत बहुत अच्छे स्प्रे है इसका सेंसिटिविटी जो भी है ना भाई मतलब इसका हाथ सेट है उस पे एक मेरे मुंह पे लाइक ऐसा स्प्रे तुम कोई भी सेंसिटिविटी से मार सकते हो ऐसा कोई पर्टिकुलर सेंसिटिविटी नहीं है ठीक है ना ज्यादा से भी कम से भी बात है कि हाथ कितना अच्छा है हाथ जिसका जितना अच्छा सेट होता है वो उतने अच्छे से यू नो स्प्रे मार पाता है इधर देखिए दो लोग सेम सेंसिटिविटी में बहुत अलग-अलग स्प्रे मार सकते हैं क्योंकि उनका हाथ अलग-अलग क्लोज प्रैक्टिस की बात है एक्चुअली यहां पे पूरा ये यू नो स्किल गैप है और कुछ क्लोज है एक टेक से कवर दे रहा है इसको रिवाइव ना होने बाद जिंदगी बदल देने वाला भाई साहब रिवाइव वाला ऑलरेडी हो गए बड़े से भी एक है ओके इमी क्या कर रहा है भाई आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे को लग रहा है रैंडमली बैठा मिल गया भाई इसको लिटरली इधर डैमेज देता भाई मेरा मर के फाइन के नॉक एक और भाई क्या स्प्रे मार के नॉक पे नॉक निकाल रहा है लेफ्ट साइड से गाड़ी जा रही है तो उसको आपस में लड़ रही है यहां पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहा है दूर एक बंदा भागता हुआ दिख रहा है दूर से कोई स्प्रे मार रहा है चेहरा अरे अरे पीछे वाला उसका टीममेट वैसे आगे रिच पे हो गया यहां पे क्रिप्टो ओपन में एकदम लिटरली अब यहां पे थोड़ा बचना मुश्किल होगा क्रिप्टो के बंदा लिटरली ओपन में मार क्रिप्टो कैसे तो बच गया पता नहीं बट जोन आ रहा है वो किसी और ने नॉक कर दिया किस्मत ओके बग्गी जाकर जा लेट्स गो जोन का डैमेज थोड़ा ले ले अभी जोन ही नहीं है मैं इधर आया क्यों दूर से भी स्प्रे पड़ रहा है क्रिप्टो पता नहीं कैसे तो जिंदा है लिटरली यहां पे हल्के से रिच के पीछे लेट गया जोन कहां गया भाई सामने से जा रहा है स्मोक में देखने वाली हो गया लिटरली वन मैन आर्मी बन के ये बंदा फाइनल सर्कल तक पहुंच गया अगर ये गेम जीत गया तो मजा आ जाएगा भाई ओके नाइन प्लेयर अलाइव है हां कार्डी पे बैठने की कोशिश कर रहा था कार्डी के बिना बैठने पर नॉक करा फिनिश ओके ले लिया भाई अब दूर से उसको गोली मार रहे उन्हें पता चल गया यहां पे क्रिप्टो बैठा हुआ है बंदा आया क्लोजर में नेड लेकर के भाई साहब ओ जबरदस्त शॉटगन पड़ी है से क्लोज रेंज में अब यहां पे से क्रिप्टो को बचना बहुत मुश्किल है यहां से अब आई गेस इसके आगे जाना पॉसिबल नहीं होगा मेरे को जहां तक लग रहा है
कैसे ही जाएगा कोई, मतलब पीछे गाड़ी देखे, पीछे गाड़ी है। जोन बहुत ज्यादा छोटा है और लिटरली ऊपर में भाग के जाना है, मेरा मर में पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मतलब किस्मत चाहिए थोड़ी सी, वैसे तो मुश्किल ही है, चाहे गाड़ी हो चाहे, क्योंकि अलग ही भागता हुआ दिखेगा। सामने रिच तक पहुंच गया ना, उसके लिए सामने बड़ी रिज है ना, वहां से बंदे मार देंगे ऐसे। वो देखो ऊपर ने भाग के आ रहे हैं ना, वो उनको पता है यहाँ पे क्रिप्टो स्मोक हो रखा है, बट क्रिप्टो ने नॉक निकाल दिया। ओके एक और किल हो गया, अनएक्सपेक्टेड भाई, बंदा लिटरली सरवाइव कर रहा है रे अभी तक, बहुत दूर से कोई गोलियां ही साथ रही। अरे गोलियां खत्म हो गई, अब बचना मुश्किल है, अब तो GGWP है दोस्त, अब बचना मुश्किल है, अब गोली पड़ रही है भाई पे, सिर्फ शॉटगन है, तो आई गेस जोन के बाहर जानबूझ के मरेगा जिससे यू नो किल ना मिले किसी टीम को। बट नीचे कमेंट सेक्शन में बताना क्या तुम भी ऐसे स्प्रे मार सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, मिलेंगे कल विद अ ब्रांड न्यू एंड पीस आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।